हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली डाइट एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म आप फ़ोन के थ्रू किस प्रकार से भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें सर्च करेंगे SCERT दिल्ली डॉट एडमिशन डॉट नाइस डॉट इन, और ये साइट आप अपने फ़ोन में सेव करके रख लीजिएगा। दिल्ली डाइट एडमिशन से रिलेटेड जितना भी प्रोसेस होता है, जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, वो इसी साइट पर अवेलेबल होती है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो वो आपको मैं आगे बताऊँगा। आप इस पर सर्च करेंगे, इसके बाद आपको ये फुल स्क्रीन में दिखाई दे रही है। छोटा करने के लिए आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी जो टेक्स्ट है वो छोटे हो जाएंगे। मैंने आपको कहा था कि जितनी भी डिटेल होती है वो यहाँ पर आपको शो होती है। यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है, यहाँ पर सारी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह आपको दिख जाएंगी। तो अभी कुछ दिन पहले प्रोस्पेक्टस आया। प्रोस्पेक्टस वो होता है जिसमें एडमिशन का प्रोसेस दिया होता है कि कब कब क्या क्या होना है, कितनी परसेंट जो है, कितने कॉलेज है, कितने परसेंट जो है पर्सन को जो है आरक्षण दिया जाएगा, इस चीज़ से रिलेटेड सभी डिटेल्स जो है आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप स्क्रॉल करके सीधा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, इस पर एप्लीकेशन फॉर SCERT पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप दोबारा से जो है डेस्कटॉप साइट पे आ जाएंगे, और इसके बाद आप जो है, आप नया नया फॉर्म भी भर रहे हैं तो आप फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। यह आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, जितनी भी डिटेल आपसे मांगी गई है सही सही और अच्छे तरीके से आप भर देंगे। तो कैपिटल लेटर में भरें सबको, जिससे जो है जो आपकी कमी है वो ना हो पाए। तो सबसे पहले आप कैंडिडेट नेम फिल करेंगे, इसके बाद फादर नेम, मदर नेम, और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और इसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। मदर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्शन जब होता है तो इन तीनों चारों चीज़ों में जो है आप करेक्शन नहीं कर सकते, खास तौर पे डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी में, तो उसको ध्यान से भरिएगा। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आपको आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना होगा। फ़ोन नंबर वो दे जो चालू कंडीशन में हो, क्योंकि जब अलॉटमेंट सीट वगैरह निकलती है तो डिटेल आपको भेजी जाती है। इसके अलावा ईमेल आईडी भी अपनी दें, और इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं, जैसे आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है तो उसके आगे आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम अर्पित है तो मैं पासवर्ड इस तरीके से ही बना सकता हूँ, Arpit@123, या मेरी डेट ऑफ बर्थ 2000 है तो मैं 2000 डाल दूंगा। इस तरीके से आप अपना कुछ भी ऐसा पासवर्ड बनाएगा जो आपको याद रहे, ठीक है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ साइड में दिख जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ आप दोबारा क्लिक करके आप सिक्योरिटी पिन को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप यस पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर टाइम लेगा, उसके बाद ये लोड हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आप अपने रजिस्ट्रेशन में कोई एडिट या कुछ करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई डिटेल गलत हो गई है तो आप यहीं पर एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपकी सभी डिटेल सही हैं तो आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। इसमें आपके जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों वेरीफाई करेगा, तो आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखा है उस पर आपका OTP सेंड किया जाएगा। दोनों OTP को आप यहां पर फिल करेंगे और सिक्योरिटी पिन को डालेंगे और वेरीफाई एंड फाइनली सबमिट पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आप सभी डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। यहां पर आपको कोने में दिख रहा होगा साइड में अवेलेबल सर्विसेज, इन सभी डिटेल्स को आप फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, तो चलिए उसको फिल कर लेते हैं। आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहां से आपने 12वीं पास की है। उसके बाद आप अपने कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी में अगर आप जनरल है, SC है, OBC है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, वरना नो पे क्लिक कर देंगे आप। इसके बाद आप मुस्लिम माइनॉरिटी हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप नेशनल कैंडिडेट हैं, NCC आपने ज्वाइन कर रखा था 12वीं क्लास में, तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उसमें यस या नो पे चॉइस करेंगे।
अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन मतलब अगर आप नेशनल लेवल पे कहीं पे खेलने गए हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, टेनिस क्रिकेट हो गया, या फिर बैडमिंटन वगैरह हो गया, नेशनल लेवल पे अगर आप गए हैं और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मिला हुआ है, सभी डिटेल्स सही तरीके से हैं, तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके साइड हो जाएंगे। इससे ये होगा कि अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो आपकी जो सीट जो है कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आगे चल के स्पोर्ट्स कोटा होता है, यानी 3-4% जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं नेशनल लेवल पर खेले हुए, उनको जो है सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके आगे आएंगे, वर्ड ऑफ दिल्ली या डाइट के आप अगर इम्प्लॉई हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आपके घर में से कोई भी जो है स्कूल टीचर है, ठीक है, तो यस पे क्लिक करेंगे, वरना अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट टीचर की ही बात हो रही है, और आप अपना जो है टीचिंग सब्जेक्ट उर्दू और पंजाबी अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करेंगे, पासिंग स्टेटस पे क्लिक करेंगे और पास पे क्लिक कर देंगे, और उसके अलावा जो है आपका पासिंग ईयर क्या रहा है उसको लिख देंगे या सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद जो है आप अपना रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पर, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप अदर बोर्ड से हैं, यानी यूपी के किसी बोर्ड से हैं तो अदर पे सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा जो है आप सीबीएसई पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम और एड्रेस लिखेंगे, और फिर इसके बाद जो है पिन कोड लिखेंगे। ठीक है, पिन कोड लिखने के बाद जो है आप यहाँ पर रिजल्ट का मोड सेलेक्ट करेंगे, आपका रिजल्ट जो है किस प्रकार से आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चों का रिजल्ट जो है 10th में परसेंटेज में आया होगा, और कुछ बच्चों का सीजीपीए में आया होगा, तो आप परसेंटेज या सीजीपीए दोनों तरीके से किसी एक तरीके से आप फिल कर सकते हैं। इसमें आप जो है मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स लिखेंगे, और यहाँ पर जो है आप मिनिमम मार्क्स लिखेंगे। मिनिमम मार्क्स लिखने के बाद जब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ही जो है आपका परसेंटेज क्लिक कर लेगा। जैसे यहाँ पर 66.67 जो है परसेंटेज शो हो रहा है। 10th की क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद आप 12th की क्वालिफिकेशन फिल करेंगे, और जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, काइंडली एंटर बेस्ट 5 सब्जेक्ट, ठीक है, विद 1 लैंग्वेज। मतलब इसका मतलब यही है कि आप जो है टॉप 5 जो है सब्जेक्ट को फिल करेंगे, और साथ में जो है एक लैंग्वेज उसमें जो है होना चाहिए। जैसे आप टॉप 5 के मार्क्स फिल कर रहे हैं तो उसमें हिंदी या इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, उसके बेसिस पे आप जो है टॉप 5 के जो है मार्क्स फिल करेंगे, और ये जो मार्क्स आप फिल करेंगे इसके लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप आगे करेंगे। तो पासिंग स्टेटस में आप पास पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अपीयरिंग कैंडिडेट तो वैसे फिल नहीं कर सकते, लेकिन आप पास पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आप पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे कि पासिंग ईयर आपका क्या है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप रोल नंबर टाइप करेंगे कि आपके 12th में क्या रोल नंबर था। रोल नंबर लिखने के बाद आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे कि कौन से बोर्ड से आपने जो है पढ़ाई की है 12th की, तो यहाँ CBSE या अदर दोनों में से एक ऑप्शन आप चॉइस कर लेंगे। इसके बाद जो है आप स्कूल का नाम उसी प्रकार से, जिस भी स्कूल से पढ़े हैं और उसका एड्रेस कहाँ पर है वो स्कूल, इस तरीके से आप फिल कर देंगे, और वहाँ का जो पिन कोड है उसको भी आप फिल करेंगे। ठीक है, उसको फिल करने के बाद जो है आप यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, और यहाँ पर आप मार्क्स को फिल करेंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले जो है आप एक सब्जेक्ट चॉइस कर लेंगे, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है पासिंग स्टेटस में आप पास सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने का है वो लिखेंगे आप यहाँ, और आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने हिंदी या इंग्लिश, मान लीजिए आपके हिंदी में भी अच्छे मार्क्स है और इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स है, तो टॉप 5 में दोनों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं।
और इसमें जो है टॉप 5 में एडिशनल भी आप जो है जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपके फिजिकल एजुकेशन में अच्छे नंबर आए हैं, इंग्लिश में कम आए, तो इंग्लिश हटा दीजिए, फिजिकल एजुकेशन ऐड कर दीजिए। फिर इसके बाद सेकंड में आप जो है उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, कुछ भी जो है आप जो सब्जेक्ट आपके 12th में रहा हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेलेक्शन में जो है पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कितने कितने मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और कितने जो है आपको मिले हैं, ठीक है। इसको तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सभी डिटेल्स को ठीक प्रकार से फिल कर दिया है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और वो पूछेगा कि आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप कॉन्टैक्ट डिटेल को फिल करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपना एड्रेस पूरे तरीके से फिल करेंगे, जिसमें आपका कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सभी चीज़ों को फिल करेंगे। तो फटाफट यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ। इसके अलावा ऑप्शनल में यहाँ पर दिया गया है कॉलोनी का नाम, यहाँ पर आप लिख सकते हैं या पुलिस स्टेशन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोकेलिटी में, जैसे आप किस इलाके में रहते हैं, किस विलेज में रहते हैं, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, ये जो ऑप्शनल दे रखे हैं इनमें से आप किसी को भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप, जैसे मैं रोहिणी फिल कर देता हूँ, ठीक है। कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टेट में आप दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप किसी अन्य प्रदेश से हैं तो उसको आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं अपने राज्य का नाम। इसको भरने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप पिन कोड लिखेंगे अपने एरिया का। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पे सेम एज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो दोनों एड्रेस जो है आपका सेम हो जाएगा। अगर दोनों एड्रेस आपका अलग अलग है तो आप जो है, मतलब जहाँ पर आप रहते हैं और जहाँ पर आपका स्थायी पता है, ठीक है, करेंटली आप कहाँ रह रहे हैं और आपका स्थायी पता क्या है, दोनों अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग फॉर्म फिल करेंगे। जैसे दूसरे स्टेट के बच्चे अगर यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और वो किसी एड्रेस पर रह रहे हैं तो वो आपका उनका जो है कोरस्पोंडस एड्रेस हो जाएगा, ठीक है, अस्थायी पता हो जाएगा। और अस्थायी पता वो है जहाँ पर वो परमानेंट रहते हैं, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग फिल कर सकते हैं, अगर सेम है तो सेम पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक कर देंगे अगर आपकी सभी डिटेल्स सही हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप जो है सेलेक्ट करेंगे कौन से सेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, DPSC या DLED। तो हम यहाँ पर DLED को सेलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पूछेगा डू यू विश टू सबमिट, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप जो है एग्ज़ाम सेंटर जो है उसकी डिटेल्स को चॉइस करेंगे, मतलब कौन कौन सी सिटी में जो है आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली, ठीक है, मान लीजिए आउटसाइड दिल्ली आप कहीं रहते हैं, जैसे आप UP में रहते हैं तो उस तरीके से आउटसाइड दिल्ली भी आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर दिल्ली को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है डू यू विश टू सबमिट, ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आप जो है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट में आपने अपलोड करना क्या है, फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर। सिग्नेचर का साइज़ जो है 20 KB मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 100 KB होने चाहिए। और फोटोग्राफ्स भी यही है कि आपका 20 KB मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 100 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और साइज़ जो है फ़ोटो का कुछ भी लगा सकते हैं, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप अपने फ़ोन से ही बना सकते हैं, पिक्सआर्ट हो गया, इससे भी आप यूज़ करके फ़ोटो को पहले क्लिक कर लें, उसके बाद पिक्सआर्ट से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोटो के साइज़ को कम करने के लिए आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाके उसको कम कर सकते हैं या किसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आप एक्शन के नीचे जो है प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारी फ़ोटो जो है अपलोड हो चुकी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, साइन को, सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे। और ठीक इसी प्रकार से जो है सिग्नेचर की इमेज भी जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है। आप प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे,
यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे 20 KB से कम के जो है सेलेक्ट करेंगे सिग्नेचर को। तो मैं कोई सी भी एक सिग्नेचर जो 20 KB से कम की हो उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सिग्नेचर था ये 20 KB से कम का था, इसी वजह से जो है ये अपलोड हो गया है। आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज और सिग्नेचर जो है वो भी अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ सभी डिटेल्स को आप एक बार दोबारा से चेक करेंगे, और चेक करने के बाद आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट से मैच ज़रूर कर लें। इसके बाद अगर सभी डिटेल्स आपकी सही हैं तो आप जो है यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड फाइनल सबमिशन हो जाएगा आपका। तो फाइनल सबमिशन से पहले एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और नेम में कोई भी गलती है तो उसको ठीक कर लेना, नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका जो है डाइट में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो इसमें गलती ना करें, इसमें करेक्शन का भी मौका नहीं दिया जाता। तो सिंपली जो है सेव एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे और वो दोबारा से पूछेगा क्या आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, तो उसके बाद आप यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस पेज पे आप क्या करेंगे, अपनी चॉइसेस को फिल करेंगे। चॉइसेस यानी वो चॉइस जिसमें आप ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है ये डाइट ज़्यादा पसंद है, ये हमारे घर के पास में है, ठीक है, इस तरीके से इसमें चॉइस फिल की जाती है। जो डाइट आपके जो है अच्छी लगती है, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उसको पहले नंबर पर चॉइस में रखते हैं। जो आपको मतलब ठीक ठाक लगता है कि हाँ ठीक है ये भी डाइट अच्छी है, तो उसको दूसरे नंबर पे आप रखते हैं। वो किसी भी कारण हो सकता है, चाहे वो उसमें पढ़ाई अच्छी होती हो, आपके घर के पास में हो, मेट्रो के पास में हो, ठीक है। तो जो जो डाइट है जो है आप चॉइस करना चाहते हैं पहले दूसरे तीसरे नंबर पर, तो उन डाइट को आप इसमें चॉइस करेंगे। और इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, आप वो डाइट चॉइस करें जो आपके घर के पास में हो, ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, मेट्रो के भी ज़्यादा पास में हो, ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो है ज़्यादा ना हो, ठीक है, इससे आपकी समय की बचत होगी, क्योंकि डाइट में ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा पढ़ना लिखना, इसके अलावा SEP प्रोग्राम वगैरह होती है, तो जितनी दूर डाइट होगी ना उतनी दूर आपको जो है स्कूल भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको स्कूल जो है वो डाइट के पास में मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपना जो है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, आप वहाँ पर टीचिंग वगैरह करेंगे। तो ये बात की बात है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप अपने चॉइसेस को फिल करेंगे। यहाँ पर टोटली जो है 19 चॉइस अवेलेबल हैं, ठीक है, और उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस 19 चॉइस देखने के लिए आप अवेलेबल चॉइस पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके जब आप नीचे की तरफ आएंगे तब आपको जो है यहाँ पर सभी जो है 19 चॉइसेस दिख जाएंगे, 19 डाइट, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ 1 से लेकर 9 तक गवर्नमेंट सभी डाइट है। गवर्नमेंट डाइट की एक पहचान है कि और उसके आगे जो है कैपिटल लेटर में डाइट लिखा रहता है, उसके बाद जो है डाइट का नाम लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर डाइट ईस्ट करकरडूमा इंडस्ट्रियल एरिया इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट डाइट लगभग सभी अच्छी होती हैं। तो चलिए अब अपने डाइट को चॉइसेस प्रेफरेंस जो होती है आपकी वो फिल कर लेते हैं। इसके बाद आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी जो है आपको जो स्क्रॉल करके मैं दिखा रहा हूँ ये सभी जो है डाइट के ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप इनको ऐड करते जाएंगे यहाँ साइड में आपको जो है ये फुल होती चली जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए पहले नंबर पे मैं जो है ये मेरे घर के पास में जो है केशवपुरम डाइट है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ पहली प्रेफरेंस में, ठीक है, और दूसरी प्रेफरेंस में जो है मैं RKपुरम डाइट को सेलेक्ट करता हूँ। तो ये मेरी दो डाइट सेलेक्ट हो गई हैं। मान लीजिए मैं इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ, दोनों डाइट को हटाना चाहता हूँ, तो मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए किसी डाइट को मैं एक के बाद नीचे लाना चाहता हूँ तो मैं डाउन पे क्लिक कर दूंगा, तो वो जो है आपस में एक्सचेंज हो गया है, मेरी RKपुरम डाइट ऊपर आ गई है पहले प्रेफरेंस पे और केशवपुरम दूसरी प्रेफरेंस पे आ गई है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप चॉइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, हटाना चाहें तो रिमूव करके हटा भी सकते हैं। और मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिक जो प्राइवेट डाइट है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रॉल करके जब आप नीचे जाएंगे तो सभी प्राइवेट डाइट आ जाएंगे, जैसे टेक्निया जो रोहिणी में है वो भी काफ़ी अच्छी डाइट है, तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट भी सर्च कर सकता हूँ, यहाँ से ऐड कर दिया मैंने। तो तीसरे नंबर पे ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और इसके अलावा जो है मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, तो प्रोस्पेक्टस में डाइट के नाम है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाइट का नाम लिख के सर्च करके सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं जो है ये करकरडूमा डाइट है, इसको सेलेक्ट करता हूँ, प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेता हूँ,
डीएलएड और स्टेट सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे कि कड़कड़डूमा वाला ही सिर्फ डाइट का जो है सर्च आ गया है, तो मैं कड़कड़डूमा को ऐड कर लूँगा। तो इस तरीके से मैंने चार जो है प्रेफरेंस फिल कर दिए। और अपने आप पे भरोसा रखिए, सबसे मेन है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इस प्रकार से जो है आप अपने डाइट को चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। चॉइसेस फिल करने के बाद जो है आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं एंड सेव एंड गो पे क्लिक कर सकते हैं होम पे। तो अगर सेव एंड गो होम पे क्लिक करेंगे तो आप होम पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आप अपने चॉइसेस में कोई चेंजेस करना चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो है टोटल हमने जो है चार चॉइसेस किया है और डेट वगैरह आपको बता दिया जाएगा। देंगे सेव एंड गो होम पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी जो है टोटल अवेलेबल चॉइसेस हैं, जिसमें 19 थी और आपने चार चॉइसेस को जो है फिल किया है, और अनफिल जो है आपके 15 है। और चॉइस का जो स्टेटस है उसको अनलॉक ही रहने दें, क्योंकि बाद में इसको आप चेंजेस भी करेंगे। जब आपका जो है रैंक आएगा तो उसमें आप उस चॉइस को जो है ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर जो है पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पर क्लिक करना है। पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पर देखिए आपके जो भी आपकी कास्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ी यहाँ पर शो होगी। आप जो है ऑनलाइन पे पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फ़ी पे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो है जो भी आपकी फ़ी होगी, आपका नाम, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ और फ़ी अमाउंट आपको शो हो जाएगी। इसके बाद आप किस प्रकार से जो है फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं, हम यहाँ पर जो है इस पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, ये नेट बैंकिंग है। इसके अलावा अगर आप UPI के थ्रू जो है आप पेमेंट करना चाहते हैं या BBPA मतलब QR कोड स्कैन करके अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप अपनी पेमेंट करेंगे, यहाँ पर डेबिट कार्ड नंबर और सभी डिटेल्स को फिल करेंगे और पेमेंट को कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जो है आप लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है लॉग आउट होने के बाद आप जो है होम पे दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आप अपना प्रिंट जो है इसका जो है फॉर्म का निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।